और राहुल बाबा आप कैसे दे सकते हो? आप दे नहीं सकते क्योंकि आप तो विरोध पक्ष में बैठे हो। मिल तो तभी सकता है जब भाजपा देना चाहे। अभी अभी मोदी जी जम्मू में आए थे, अभी अभी मोदी जी घाटी में आए थे, कहकर गए हैं कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पूंछ और रजौरी में धमकी दे रहे हैं कि 8 तारीख आ दीजिए, हम बता देंगे। अरे किसको डराते हो उमर साहब? हम भाजपा वाले हैं, डरते नहीं है। 8 तारीख को कुछ नहीं होना है, डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी ने अभी अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें। उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा, आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। कांग्रेस ने डाला है, आप हमें कह रहे हो? और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। और मैं बता रहा हूं राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिसका नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जोर से बोलो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जो सारे का। आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। भाइयों बहनों, 70 साल तक ये दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। मोदी जी आए, अब पंच सरपंच भी जीत रहा है, ब्लॉक के चुनाव हुए, जिले के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के 30,000 से ज्यादा लोग लोकतंत्र से चुनकर अपना राज कर रहे हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कांग्रेस एनसी की सरकार में पंच सरपंच के चुनाव होते थे क्या? अरे जोर से बोलो, होते थे? ब्लॉक के चुनाव होते थे? जिले के होते थे? ये चुनाव कराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे आपने तो हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गने थमा दी। उमर साहब, मैं भी आज यहां पर कहकर जाता हूं कि हम भी हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक और मशीन गन थमाएंगे। मगर आपने तो आतंकवाद की तबाही, हम इस एरिया से स्पेशल भर्ती करकर सेना और सुरक्षा बलों में जवानों को ले जाएंगे। याद रखना, जम्मू कश्मीर, यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो ये लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना,
चुनाव के प्रति उनके रुझान को यह दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है। और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में, वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर रहा है, कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है, इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए कहने के लिए। बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है?
और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुजरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्तीय सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है?